दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके चैनल जेएस स्पार्क में। दोस्तों अभी तक हम दो वीडियो के बात कर चुके हैं, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के। हमने देखा है उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन देखा है, साथ ही साथ हिस्ट्री में देखा है। हमने ये भी देखा है किस तरह से जोनसन डायनेस्टी रहती है 1395 से लेकर के 1910 तक वो राज करती है। इसके बाद जापान अपनी साम्राज्यवादी नीतियों को बढ़ाता रहता है और उसी बढ़ाने के फलस्वरूप जापान कोरिया प्रायद्वीप पर आक्रमण करता है। और हमने ये भी देखा कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं, भारत एक प्रायद्वीप है कि नहीं। इस प्रश्न का उत्तर यह होगा, भारत तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है और तीन तरफ से घिरे हुए भाग को क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं, और चार तरफ से घिरे हुए भाग को क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। दोस्तों ये जानने के बाद जापान हार जाता है द्वितीय विश्व युद्ध में 1945 में। हमने ये भी देखा था किस तरह से यूएसएसआर और यूएसए दोनों ने अपने अपने शासकों को किम इल सेकंड के रूप में और सिंगोन सेकंड के रूप में एकत्रित कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं और बात आज हमारी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ये इस वीडियो का लास्ट पार्ट है और इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्थ कोरिया कैसे साउथ कोरिया से अलग है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया से किस तरह अलग है, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आपके सामने मैं उपस्थित हूं। चलिए दोस्तों हम सारी चीजें लिखकर समझेंगे, समझ के समझेंगे और समझ के स्तर पे समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं लिखने जा रहा हूं नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और ये है साउथ कोरिया। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये तो आपको पता हो गया 1950 में नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पे आक्रमण करता है और उसी तरह से उसी दिन क्या हो जाता है, उसी दिन बाउंड्री बन जाती है। और एक बात आपको अगर प्रश्न में पूछा जाता है कि दुनिया की सबसे हाई मिलिटराइज्ड जोन कौन सा है, तो वो है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की। एक बात आपको और याद रखना है, जरा यहां ध्यान दीजिएगा, 38th पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन यानी 38वीं अक्षांशीय रेखा जो गुजरती है, 38वीं पैरेलल लाइन, ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बॉर्डर का नाम है। जैसे भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर क्या नाम है, रेड क्लिफ लाइन नाम है, और मैकमोहन लाइन भारत और चीन के रेखा का नाम है। भारत और चीन के बीच जो रेखा है उसको मैकमोहन लाइन कहते हैं और भारत पाकिस्तान के बीच की रेखा को रेड क्लिफ कहते हैं, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की डूरंड लाइन कहलाती है। वैसे ही ये देखिए 38th पैरेलल लाइन नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को अलग करती है। इसके बाद मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं, यहां मैं दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दे रहा हूं। मैं देखिए पहला जो अंतर है वो अंतर है नाम को लेकर के। इसका जो नाम है वो डेमोक्रेटिक, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, यानी DPRK, क्या नाम है, DPRK यानी डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, और इसका नाम है रिपब्लिक ऑफ कोरिया। यह प्रश्न पूछा जा सकता है रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ठीक है, DPRK इसका नाम है और RK यानी कि रिपब्लिक ऑफ कोरिया। लेकिन एक बात आपको बता दें, सिर्फ नाम होने से कि रिपब्लिक है, पीपल्स रिपब्लिक है, यह मतलब नहीं होता कि वो क्या है, जनतांत्रिक लोकतांत्रिक देश है। यह एक अधिनायकवादी शासक के अधीन है, यहां पर कम्युनिस्ट सरकार है और यहां पर कैपिटलिस्ट, वो भी देखेंगे। दूसरा जो इसका अंतर हो सकता है वो कम्युनिस्ट सरकार है, कम्युनिस्ट सरकार है। कम्युनिस्ट का एक अजीब सा मिक्सचर है जिसमें अब जो किम जोंग उन जी हैं वो क्या हो गए हैं, डिक्टेटर हो गए हैं, क्या हो गए हैं, डिक्टेटर यानी ताना शाह हो गए। कम्युनिस्ट सरकार है और ये कैपिटलिस्ट सरकार है, दूसरा अंतर ये हो गया। और तीसरा अंतर जो है किम जोंग उन, किम जोंग उन, ये अजीब सा सनकी आदमी जो दुनिया में कभी भी आप सुबह उठे रात में सोए सुबह उठे पता लगता है एक परमाणु युद्ध का आगाज हो चुका है, एक परमाणु बम का इन्होंने परीक्षण कर दिया है, इनका कोई भरोसा नहीं। इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि नॉर्थ कोरिया में कोई व्यक्ति इनके जैसा बाल नहीं रख सकता, इनके बिना मर्जी के कोई पिक्चर नहीं देख सकता, यानी बहुत ज्यादा अपनी ही। एक बार तो ये हुआ था 2015 की न्यूज है, किम जोंग उन साहब परेड देख रहे थे, क्या देख रहे थे, परेड देख रहे थे, सैनिकों की परेड हो रही थी, उसी परेड में इनका एक जनरल इनके बगल में बैठा होता है, सो रहा होता है, बेचारे को नहीं पता रहता कि उसके सोने की सजा उसको बम से उड़वा दिया जाएगा, ये उसको बम से उड़वाने का काम करते हैं, नाम है इनका किम जोंग उन। अजीब से शक्लो सूरत के इंसान है, लंबाई चौड़े अच्छे, खाने पीने के बड़े शौकीन है, नाम इनका किम जोंग उन है। इसके बाद मून जे इन, मून
मून जे इन यहां के राष्ट्रपति हैं, ये तानाशाह हैं, किम जोंग उन मून जे इन यहां के राष्ट्रपति हैं। और अगर चौथे अंतर की बात करें तो प्योंग यांग इसकी राजधानी है, किसकी राजधानी है, नॉर्थ कोरिया की राजधानी है प्योंग यांग, जबकि इसकी राजधानी है सियोल। क्या नाम है? सियोल। सियोल राजधानी है साउथ कोरिया की। इसके बाद जो नेक्स्ट है क्लोज्ड इकोनॉमी, यानी इसकी अर्थव्यवस्था कैसी है, बंद अर्थव्यवस्था है। आपको एक बात बता दूं, और दुनिया के तमाम देश इस पे क्या लादे हुए हैं, सैंक्शंस लादे हुए हैं, यानी प्रतिबंध लादे हुए हैं। यूएसए हो, अलग से प्रतिबंध लादा हुआ है, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ये अलग अलग तरीके से प्रतिबंध लादे हुए हैं। इवन यूएन ने भी इसको प्रतिबंधित कर रखा है, किसको, नॉर्थ कोरिया को। कोई देश इससे व्यापार करने को उत्सुक नहीं रहता, एक अकेला चीन ही है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर प्रमुख निर्यात का जो सामान है वो कोयला है, और कोयला सबसे ज्यादा निर्यात किसको करता है, चीन। कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ कोरिया का लगभग 99% जो कोयला है वो कहां जाता है, चीन जाता है। और हालांकि अब प्रतिबंध बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो ये भी इसको निर्यात कर नहीं पा रहा, तो क्लोज्ड इकोनॉमी है। इकोनॉमी कैसी, क्लोज्ड है, दुनिया का कोई देश यहां एफडीआई के माध्यम से इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, जिसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इस पे नीरज सर की एक वीडियो आ चुकी, आप जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट आएगा ओपन इकोनॉमी, इसकी ओपन इकोनॉमी है, यानी खुली अर्थव्यवस्था। आपको यहां से पता लग जाएगा, कैपिटलिस्ट है तो इकोनॉमी कैसी होगी, खुली इकोनॉमी होगी, एफडीआई बहुत ज्यादा आती है। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं उसको, डिफेंस एक्सपेंडिचर की। अब बात करने वाले लोगों के इनकम की। देखिए ये सारी चीजें आपको अंतर बताई जा रही है किस तरह से। देखिए डीपीआरके, इसका नाम है, क्या नाम है, डीपीआरके, और इसका आरके नाम है। कम्युनिस्ट कंट्री है, डिक्टेटरशिप यहां पर चल रहा है, कैपिटलिस्ट कंट्री है, किम जोंग उन यहां के जो है डिक्टेटर है, मून जे इन यहां के राष्ट्रपति है, कहां के, साउथ कोरिया के। इसके बाद प्योंग योंग राजधानी है किसकी, नॉर्थ कोरिया की, सियोल राजधानी है साउथ कोरिया की, क्लोज इकोनॉमी है जबकि इसकी इकोनॉमी है ओपन इकोनॉमी है। ये चार पांच अंतर देखने के बाद नेक्स्ट हम इसको साफ करके बात करने वाले और अंतरों के बारे में, जिससे कि आपको पता लग सकेगा कि वाकई में नॉर्थ कोरिया किस तरह से साउथ कोरिया से अलग है, क्या साउथ कोरिया वास्तव में नॉर्थ कोरिया के मुकाबले स्वर्ग की स्थिति में है कि नहीं। साथ ही साथ हम देखेंगे यूएसए क्यों इतना एग्रेसिव रहता है, ये सारे मुद्दे नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं उसको भी। और एक चीज आपको बता दें, 38th पैरेलल लाइन, कौन सी 38th पैरेलल लाइन किस किस के बीच में सीमा रेखा का निर्माण करती है, वो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में, इसको याद रखिएगा। एग्जाम में पूछा जा सकता है वन लाइनर के रूप में, एग्जाम में जरूर आपको हल्के में नहीं लेना है, ये नहीं सोच के चलना है कि सिर्फ ये यूपीएससी वालों का है, ये सभी के लिए समली और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं उसको भी। देखिए नेक्स्ट बात करने वाले हैं, ये है नॉर्थ कोरिया, ये है साउथ कोरिया। नेक्स्ट बात करने वाले हैं, $1,800 पर कैपिटा, जबकि 35,485 पर कैपिटा, ये डॉलर में है, ठीक है, अमेरिकी डॉलर है, $1,800 पर कैपिटा, यानी यहां के लोगों की इनकम आप देख रहे हैं। साउथ कोरिया में देखिए 35,485, यानी 1,000 गुना से भी ज्यादा इसकी जो है पर कैपिटा इकोनॉमी, आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ने को मिलेगा। देश के लोगों की पर प्रति व्यक्ति जो आय होती है वो किसी देश की अर्थव्यवस्था को, अर्थव्यवस्था कितनी उन्नत कर गई है वो दिखाती है। तो इस आंकड़े क्या बताते हैं कि साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया से बहुत आगे है। क्यों? क्योंकि क्लोज्ड इकोनॉमी है नॉर्थ कोरिया की, कोई एफडीआई आ नहीं रहा, और जब विदेशी लोग आएंगे नहीं, वहां पर व्यापार नहीं करेंगे, तो इससे क्या होगा, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, जब रोजगार नहीं तो पैसा नहीं तो खर्च नहीं कर पाएंगे तो जीवन स्तर क्या होगा, कम हो जाएगा। ये सारी चीजें एक दूसरे से लिंक करके समझते रहिएगा, इकोनॉमिक्स में आपको समझाया गया होगा, नहीं समझाया गया होगा तो वीडियो जरूर देखिएगा। नेक्स्ट चीज आप देख लीजिए, लगभग $10 बिलियन इसका डिफेंस खर्चा है, $10 बिलियन का इसका डिफेंस खर्चा है, जबकि इसका लगभग $70 बिलियन का डिफेंस खर्चा है।
और एक बात याद रखिए, साउथ कोरिया अपने बजट का, यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा, साउथ कोरिया अपने बजट का सिर्फ 2% डिफेंस पे खर्चा करता है, जबकि नॉर्थ कोरिया 25%, यानी अपने बजट का, यानी उसका बजट बहुत छोटा है। किसका? नॉर्थ कोरिया का। अपने बजट का 25% वो खर्चा कर रहा है डिफेंस पे, यानी डिफेंस को लेकर के बहुत ज्यादा कॉशियस रहता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको वीडियो याद करिए पार्ट टू में बताया था, यूएसएसआर खुद गिर गया था जो समर्थन किया हुआ था किम इल सेकंड को। तो किम इल सेकंड ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं, अपने डिफेंस को लेकर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, $10 बिलियन और $70 बिलियन का साउथ कोरिया। इसके बाद नेक्स्ट आप ये भी जान लीजिए किस तरह से नॉर्थ कोरिया में प्रेस सेंसरशिप है। प्रेस सेंसरशिप का मतलब क्या होता है? यानी यहां प्रेस पर क्या लगा हुआ है? प्रतिबंध लगा हुआ है। यानी विदेशी कोई भी व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, विदेशी कोई भी पत्रकार आकर के नॉर्थ कोरिया में फ्री तरीके से नहीं जा सकता। और एक बात तो यह भी कहा जाता है, नॉर्थ कोरिया का अगर कोई व्यक्ति, ध्यान से सुनेगा, नॉर्थ कोरिया का अगर कोई व्यक्ति साउथ कोरिया में जाना चाहता है या किसी अन्य देश में जाना चाहता है तो उसे खास परमिशन लेनी पड़ती है वहां के तानाशाह किम जोंग उन से, क्योंकि किम जोंग उन नहीं चाहते हैं कि नॉर्थ कोरिया का कोई व्यक्ति जा करके बाहर देशों से कुछ ऐसे आइडियाज लाए, कुछ ऐसे विचार लाए उनके खिलाफ जो विचार काम किए जा सके। तो इन सभी चीजों को रोकने के लिए वो खास तरह का प्रतिबंध रखते हैं अपने लोगों पे भी, और अगर विदेश कोई नॉर्थ कोरिया में जाना चाहे, आना चाहे, तो उसको जो है बहुत रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, बहुत रिस्ट्रिक्ट एरिया में रखा जाता है, उसको नहीं आने दिया जाता, इधर उधर घूमने की ज्यादा इजाजत उसको नहीं होती है। तो ये प्रेस सेंसरशिप भी है, यानी प्रेस को नॉर्थ कोरिया में आजादी नहीं है कि वो अपने जो है बातों को सही तरीके से रख सके। मान लीजिए किम जोंग उन कुछ भी कर रहे हैं, किसी को भी मरवा देते हैं, तो वहां की ये प्रेस इतनी आजाद नहीं है कि उनकी जिंग उनको क्या कर सके, आलोचना कर सके, और अगर आलोचना करती है तो सुबह सुबह उसका प्रेस क्या हो जाएगा, सील हो जाएगा। आपको याद होगा 1878 का वर्नाकुलर एक्ट जो भारत में पास हुआ था अंग्रेजों के द्वारा, उसी तरह का कुछ अभी भी चल रहा है नॉर्थ कोरिया में, जबकि यहां पर फ्री है, यानी प्रेस को पूरी आजादी है किस तरह से वो मुद्दे रखना चाहती है, लोगों के मुद्दे रखना चाहती है। एक चीज और याद रखिएगा, इसको सिर्फ चाइना बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। किसको? नॉर्थ कोरिया को चाइना बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, लेकिन यूएसए और संयुक्त राष्ट्र के, ध्यान से सुनिएगा, यूएसए और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों के तले अब ज्यादा मदद इसकी चीन भी नहीं कर पा रहा है, लेकिन इसको दुनिया के तमाम देश, इसको सब के सब सपोर्ट करते हैं, जापान हो, यूएसए हो, यूके हो, ब्रिटेन हो, यूएन हो, इवन यूएन भी इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। क्यों? एक चीज और, अब आपको समझ में आ रहा होगा नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में मैंने बहुत सारे अंतर बता दिए, लेकिन मेरे भाई एक चीज आपको और याद रखना है कि साउथ कोरिया आपको लग सकता है कि नॉर्थ कोरिया के मुकाबले बहुत अच्छा है, लेकिन एक डाटा मैं आपको दूंगा, उस डाटा को समझने के बाद आप कहेंगे नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है सर। क्या डाटा? क्या है डाटा? यह है लगभग 10 से 30 साल के व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, लगभग 10 से 30 वर्ष के व्यक्ति दुनिया में अगर सबसे ज्यादा, क्या मैंने बोला, 10 से 30 साल के व्यक्ति अगर दुनिया में सबसे ज्यादा कहीं सुसाइड करते हैं, सुसाइड जानते हैं, आत्महत्या, मृत्यु कहीं करते हैं, तो वो कहां करते हैं? साउथ कोरिया में करते हैं। यानी कैपिटलिस्ट कंट्री है, और कैपिटलिस्ट कंट्री की सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? कंपटीटिवनेस, उसमें प्रतियोगिता बहुत होती है, लोग चाहते हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाएं, आगे हो जाएं, और इसी आगे जाने के चक्कर में उनपे मानसिक तनाव बढ़ता है, और मानसिक तनाव बढ़ने की वजह से लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो इस तरह से देखा किम जोंग उनके बारे में आपने बहुत सारी चीजें जानी होंगी। यह सफर आपके साथ बहुत सुहाना रहा दोस्तों, इसी तरह आप अपना प्यार, समर्थन, विश्वास हम पे बनाए रखें। हम पूरी कोशिश करते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी महत्वपूर्ण हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं वो करें। आपका दिन शुभ हो, आप सभी खुश रहें, एग्जाम में सफल हों। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, एंड जय हिंद, गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू।